हेलो स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पाथ फाइंडर्स का। तो क्वेश्चन है चैप्टर 4। इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करने जा रहा है। 17 डायग्राम ये है, ये यूनिफॉर्म और एक अच्छा क्वेश्चन है। अ यूनिफॉर्म रोप सस्पेंडेड बिटवीन टू लेवल नेल ए एंड बी। ए और बी के बीच में एक यूनिफॉर्म रोप है, सस्पेंड कर रहा है। एज्यूमिंग अ कर्व शेप ई बी सी एज शोन इन द फिगर, द मिड पॉइंट ऑफ सी ऑफ द रोप इज पुल्ड वर्टिकली डाउन टू द पोजिशन डी टू मेक वी शेप एंड रिलीज्ड। मतलब ये जो कर्व शेप है ना, इसको डी तक आपने खींचा, उसके बाद इसको छोड़ दिया, फिर वापस यहाँ तक आ जाएगा। When the rope again acquire a curved shape ACB, the mid point is pulled vertically up to the position E to make inverted V shape. फिर यहाँ से इसको यहाँ तक लाया और inverted V shape बना दिया। If in this two pulling process, the total work done by the pulling agency is W, how much work will be done by the pulling agency in lifting vertically the mid point from equilibrium position टू पोजिशन ऑफ एफ इन लेवल विद द नेल। कह रहा है कि इस इक्विलिब्रियम पोजिशन से इसको इस एफ तक लाने में ऐसे कितना वर्क करना पड़ेगा, कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो देखिए मैं व्हाइट बोर्ड लेके जाऊंगा इसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे बनाता हूँ। ये दो नेल हैं ए एंड बी और ये कर्व शेप का। अच्छा मुझे बताओ, जब तुम इसको पुल करोगे और ये इस तरीके से आएगा, इस तरीके से बनेगा, इस स्टैंड पे आएगा, ये सी है एंड दिस इज द डी पॉइंट डी। जब यहां से यहां तक पुल करेंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क कहाँ जाएगा? एमजी के अगेंस्ट वर्क डन में जाएगा। तो और इसमें मान के चला जा रहा है कि ये जो स्प्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है ना, वो इलॉन्गेटेड स्ट्रिंग, मतलब वो इनएक्सटेंसिबल है, इलॉन्गेटेड नहीं होगी। जो वर्क कर रहे हो किधर जाएगा? एमजी के अगेंस्ट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ है कि तुम अगर इधर खींचोगे तो जो सेंटर ऑफ मास होना चाहिए इस पार्ट का, नीचे खींचने पे ऊपर को शिफ्ट होना चाहिए, मतलब उसकी पोजीशन इंक्रीज करेगी। तो अगर एक बात मैं आपसे बोलूं कि इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास लेट्स इस हॉरिजॉन्टल से, एच डिस्टेंस में सेंटर ऑफ मास मान लो, इसको और नीचे दिखा देता हूँ। एच डिस्टेंस पे इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास, यहां से एच डिस्टेंस पे कर पार्ट का, अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका सेंटर ऑफ मास इसके जस्ट ऊपर होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जो तुम खींच रहे हो, तुम वर्क कर रहे हो, तुम्हारा वर्डन जहां कहां कन्फर्म इस पार्ट की पोटेंशियल बढ़ा रहा होगा, तो पोटेंशियल कब बढ़ेगी? जब सेंटर ऑफ मास ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा। इसका मतलब ये हो गया। अब हर चीज हम लोग सेंटर ऑफ मास के ही टर्म्स में बात करेंगे। ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी और कहा कि ये कर्व पार्ट का सेंटर ऑफ मास अगर यहां पे है, कर्व पार्ट का सी, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वी शेप, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, दिस इज सी वन, और इस डिस्टेंस को मैंने एच बोल दिया। ये कर पार्ट है ना, इसके डिस्टेंस को मैंने एच बोल दिया, और ये जो सी वन है ना, इसकी बीच की दूरी को मैंने एक्स बोल दिया। इसका मतलब कि इस कर्व से इस डी तक जाने में जो एक्सटर्नल एजेंसी ने वर्क किया होगा, अगर वो W1 है,
तो आप उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, एम जी इंटू, एम जी इंटू ये डिस्टेंस एक्स होगा इसके बराबर खींचेंगे, क्योंकि जब आप इस स्ट्रिंग को नीचे को खींचेंगे, क्योंकि जब आप इस स्ट्रिंग को नीचे को खींचेंगे तो प्रोड्यूसर इंक्रीज करेगी, मतलब सेंटर ऑफ मास ऊपर कर जाएगा सिस्टम का, तो एक्स डिस्टेंस ऊपर कर गया तो डब्ल्यू वन इज दिस वन। तो आपने क्या किया, फिर इसको छोड़ दिया, ये पहला वर्क डन की लाइन में लिख दी, यहाँ पे लिख दी। इसके बाद आपने क्या किया, इस चीज को रिलीज किया, तो रिलीज करने के बाद जो सेकेंड डायग्राम बनेगा वो आपका फिर ऐसे बन जाएगा, फिर एक कर्व ऐसे दिखाएंगे, ऐसे कर्व दिखाएंगे, और इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो सी है, ये जो सी यहाँ दिख रहा है दिस सी, ये दूरी एच है, ये भी दूरी क्या होगी, एच होगी। अब आपने क्या किया, इसको ऊपर लेके ऐसे जाएंगे ऐसे, तो फिर इसको इस कंडीशन पे लेकर गया, इस कंडीशन पे। अच्छा, जितना डिस्टेंस यहाँ पे है अगर उतना ही डिस्टेंस इसके ऊपर को लेके जाएंगे यहाँ पे, तो ये शेप ऐसे नहीं बनेगा, ये शेप कुछ ऐसे बनेगा, इस तरीके से कर्व बनेगा। जितना दूरी कर्व नीचे उतना दूरी अगर इस कर्व को ऊपर लेके जाएंगे तो शेप ऐसा नहीं बनेगा, वो इस तरीके से शेप बनेगा, ठीक है, ऐसा शेप बनेगा। तो इसको और ऊपर लेके जाना है ताकि भी शेप अटेंड कर ले ऐसा। अब इस भी शेप का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां से, ये सी वन दूरी है ना, दिस वन, दिस डिस्टेंसेस, दिस डिस्टेंसेस इतना दूरी ऊपर होगा इसका सेंटर ऑफ मास। तो ये जो दूरी होगी, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट एच माइनस एक्स के बराबर होगा। ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा, ये सी वन इस वी शेप का सेंटर ऑफ मास है, तो ये दूरी कितनी होगी, एच माइनस एक्स, क्योंकि एक्स है तो यहां से एच माइनस एक्स ऊपर की ओर होगा इसका। तो फिर यहां से यहां तक आने का वर्डन लेट्स डब्ल्यू टू है, डब्ल्यू टू को आप क्या लिखेंगे, एम जी इंटू यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो ये पूरा डिस्टेंस किसके बराबर होगा बताओ, दिस इज नथिंग बट ये पूरी दूरी ना यहां से लेके यहां तक, तो एच में इसको जोड़ दो, दिस इज टू एच माइनस एक्स बनेगा। अब कोई पूछे पुलिंग एंसिन नेट कितना वर्क किया, तो दिस नेट वर्डन इज डब्ल्यू, तो इसको इसमें जोड़ दो, जब इसको इसमें जोड़ोगे इसको तो एम जी एक्स ये कट जाएगा, ये बन जाएगा एम जी इंटू टू एच, ये बन गया इसका मतलब, दिस इज द टोटल वर्क डन। और एच किसका दूरी है, एच कर्व शेप की दूरी, सी कर्व का है और सी वन किसका था, वी शेप का, और सी किसका था, कर्व का सेंटर ऑफ मास था, कर्व का सेंटर ऑफ मास था। अब आपको कह रहा है कि इस वाले को अब थर्ड डायग्राम बनाएंगे, थर्ड डायग्राम, थर्ड डायग्राम में आपसे कह रहा है, सुनिएगा, कह रहा है कि ये जो शेप है ना, ये जो शेप है ना ऐसा वाला शेप, इसको यहां से यहां पर लाना है ऐसे, तो फिर बच जाएगा ऐसा, वन सेकेंड, ये बीच में लाना यहां तक, तो ये बन जाएगा इस तरीके से। तो यही तो पॉइंट एफ है, यही तक तो लाना है, देखो क्वेश्चन में कह रहा हूँ, क्वेश्चन में कह रहा है एफ तक लाना है, एफ तक लाना है, इसको यहीं तक लाना है एफ तक, देखिए यहाँ क्या लिखा होगा, एफ तक लाना है, एफ तक लाना है, देखो मतलब इस कर्व शेप से एफ तक लाना है। तो इसके लिए देखो अब ये वर्ड निकालना है, तो मुझे बताओ इस कर्व शेप का सेंटर ऑफ मास यहां से एच दूरी पे है, देखो एच दूरी पे सेंटर ऑफ मास, तो ये भी तो एक कर्व शेप है लेकिन इसका लेंथ एल बाई टू होगा, अगर ये लेंथ एल है तो ये लेंथ एल बाई टू होगा, तो इतने पार्ट का सेंटर ऑफ मास कितना दूरी नीचे होगा बता सकते हो, दिस इज नथिंग बट एच अपॉन टू दूरी नीचे होगा, ये भी एल बाई टू दूरी है, अगर ये दूरी एल है उसका सेंटर मास एच डिस्टेंस नीचे है, तो सिमेट्री से अगर ये दूरी एल बाई टू होगी तो इसका सेंटर मास एच बाई टू डिस्टेंस नीचे होगा, इसका भी एच बाई टू डिस्टेंस नीचे होगा, एच बाई टू डिस्टेंस नीचे होगा। तो ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एच बाई टू डिस्टेंस नीचे होगा, गॉट इट, तो इस पार्ट का सेंटर ऑफ यहाँ पे है, इस पार्ट का सेंटर ऑफ यहाँ पे है, तो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास इसी के बीच में यहाँ पे होगा,
लेकिन वो भी दूरी कितनी होगी, h बाई टू डिस्टेंस में चलोगे। तो इस पार्ट में एक्स्ट्रा एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा एजेंट को जो वर्क करना पड़ेगा एक्स्ट्रा एजेंट को, वो बनेगा एम जी। एम जी और इस पूरे सिस्टम का सेंटर मास यहाँ था, एस दूरी नीचे था, और बाद में कहाँ पहुंच गया, एच बाई टू दूरी पहुंच गया सेंटर ऑफ मास। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, एम जी इंटू एच माइनस एच बाई टू, दिस इज एम जी एच अपॉन टू, इतना वर्क करना पड़ेगा। मतलब इस वाले कर पार्ट को एफ तक लाने में तुम्हें जो वर्क करना पड़ेगा वो इतना करना पड़ेगा। अब यहाँ से एम जी एच की वैल्यू आएगी डब्ल्यू अपॉन टू, उठा के यहाँ प्लेस कर दीजिए, दिस इज डब्ल्यू अपॉन फोर, दिस इज वर्क डन बाई एक्स्ट्रा एजेंट। तो देख रहा है आपको ऑप्शन सी पर, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ वर्क पावर एनर्जी ऑफ पाथ फाइंडर। थैंक यू।